आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी, और इस सुबह के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा को करने पाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए एक भजन को गाएं। एक माँ की तरह हमें यीशु संभालेगा, एक माँ की तरह हमें यीशु संभालेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह हमें यीशु संभालेगा, हमें यीशु संभालेगा, हमें यीशु संभालेगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु ये स्तुति ये महिमा प्रभु आपके नाम की होने पाए प्रभु, ये तुझे सुगंधित धूप के समान ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम हर एक जन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमें संभालता है। कई बार हमारे जीवनों में ऐसा समय आता है जब जिन पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं या फिर जिनको हम सबसे ज़्यादा प्रिय समझते हैं वही लोग हमें धोखा दे देते हैं, वही लोग हमें छोड़ देते हैं, वही लोग उस कठिनाई के समय में हमारा साथ नहीं देते हैं। परंतु एक है जो उस कठिन समय में भी हमारा साथ देता है, उस मुश्किल के समय में भी हमारे साथ में खड़ा होता है, वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो कठिन समय में हर एक हालात में हर एक परेशानी के समय हर एक समस्या में हमारे साथ में खड़ा होता है। कार्स लिखा है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है परंतु यहोवा ने मुझे संभाल लिया है। यहाँ पर भजनकार इस प्रकार से अपने जीवन के एक बात को बता रहा है कि मेरे जीवन में मेरे मां बाप ने तो मुझे छोड़ दिया परंतु मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया है। मेरे प्रियो, हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार जिन पे हम भरोसा करते हैं, हमारे दोस्त हमें छोड़ देंगे, परंतु हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने हम पर अपना चित लगाया है और वो हमसे प्रेम करता है। और उसका प्रेम अधूरा प्रेम नहीं है, उसका प्रेम अगापे प्रेम है। सब हमें छोड़ देंगे परंतु परमेश्वर हमें संभाल लेगा। जिस प्रकार उसने दाऊद को संभाला, जिस प्रकार उसने मूसा को संभाला, उसी प्रकार परमेश्वर आपको और मुझे भी संभाल लेगा। हम इस्माइल के बारे में पढ़ते हैं। इस्माइल को अब्राहम ने छोड़ दिया, इस्माइल को अब्राहम ने अपने घर से निकाल दिया और उसे छोड़ दिया। वो जंगल जंगल दोनों माँ बेटे भटकते रहे और जब वो मरने पर था तब हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसे बचा लिया। जो उसका सृजनहार था उसने उसे बचा लिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो उससे प्रेम करता था और उसने उसे बचा लिया। कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई हमारा सहायक नहीं होता, परंतु एक है जो हमारा सहायक है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और वो अंत तक हमारे साथ में रहता है। उसका वादा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूँगा। वो हमारा साथ देता है, हमें कठिन समयों में हमें संभाल देता है, मुश्किलों में हमारे साथ में होता है, परेशानियों में हमारे साथ में होता है। जब जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो लोग ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, और तब एक ही हमारे साथ में खड़ा होता है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह होता है, और वो हमें संभाल लेता है। उस परिस्थिति में वो हमारे साथ में खड़ा हो जाता है। मैं तेरे साथ में हूँ, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे संभालूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। केवल और केवल हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारा सृजनहार जिसने हमसे प्रेम किया और जिसने हमें चुना है। सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये सुंदर सुबह हमें दिखाई। प्रभु आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा परमेश्वर पिता, इस बात के लिए मेरे यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु जी ये सुंदर समय हमें दिया प्रभु पिता। आप अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं, आप हमें संभालने वाले प्रभु हैं प्रभु। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, आज की सुबह में हर एक को आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने तेरे वचन को सुना, उन जिनके परिवारों में कुछ ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके साथ में परमेश्वर ऐसी घटना घटी हो परमेश्वर पिता, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि जिस परिस्थितियों में प्रभु जी किसी ने उनका साथ छोड़ दिया हो प्रभु, और फिर पिता उन्हें अकेला छोड़ दिया हो पिता परमेश्वर, प्रभु तुझसे प्रार्थना है उन्हें आप संभाले प्रभु। आप प्रभु जी उनके संग में होइए प्रभु, आप उनके टूटे हुए मनों को जोड़े परमेश्वर पिता। प्रभु जी जिन्होंने प्रभु अपने प्यार में धोखा खाया है, जिन्होंने पिता परमेश्वर शादी अपने रिलेशनशिप में धोखा खाया है प्रभु यीशु पिता, ऐसी परिस्थितियां आई हो जब उनको पिता परमेश्वर जब मुसीबत के समय प्रभु उन्हें जरूरत थी और लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, यीशु मसीह तुझसे प्रार्थना है कि इस परिस्थिति में पिता परमेश्वर आप उन्हें संभाले पिता परमेश्वर, इस दुख से उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता। आप उनके टूटे मन को जोड़े प्रभु, क्योंकि आप प्रभु टूटे मनों पर प्रभु मरहम लगाने वाले परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप प्रभु उन बुजुर्गों को संभाले प्रभु जो कि अकेले पड़ चुके हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु आप बूढ़ों को बुजुर्गों को भी संभालें पिता, आप उन बच्चों को संभालें जो अनाथ हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप उन विधवाओं को संभालें पिता जिनको भी जिनको प्रभु जिनका सहारा कोई नहीं है प्रभु, उनको आप संभालें प्रभु यीशु। प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु आप प्रभु जिसे कोई जिसका कोई नहीं प्रभु उसके आप हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जिसने प्रभु ऐसे सिचुएशन से जो लोग गुजरे हैं प्रभु यीशु या फिर गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें संभाले यीशु मसीह पिता। आप उनके हृदयों पर परमेश्वर आनंद आप उनके आप उन्हें संभाल के प्रभु उनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक उस जन के लिए प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु यीशु पिता, हर एक के परिवार पर प्रभु आपकी दया करुणा हो पिता परमेश्वर। प्रभु आप उन लोगों पर दया करें, आप अपने प्रेम को उनके जीवन में दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।